नमस्कार, बीएड सेकंड ईयर विषय संस्कृत। आज हम लोग हमारे संस्कृत के दौरान कार्य के स्वरूप, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है संस्कृत पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन के मापदंड। मतलब कि संस्कृत की पुस्तक है उसका जब मूल्यांकन किया जाए, जैसे किसी भी कार्य को हम करते हैं तो मूल्यांकन के द्वारा हम ये देखते हैं कि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है। बात कर रहे हैं पाठ्य पुस्तक की, तो पाठ्य पुस्तक है वो उस कक्षा के लिए कहाँ तक उपयुक्त है, वो उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार का है, उस पुस्तक का मूल्य है वो मूल्यांकन के मापदंडों के से खरे उतरता है या नहीं उतरता है, ये सारी चीजों को देखना है। तो हम मूल्यांकन के कुछ बिंदु है, मतलब कि जो बड़े क्वेश्चन में अगर हमारा बनता है क्वेश्चन तो ये बड़ा क्वेश्चन बनता है, और मापदंड को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। केवल हम ये नहीं कह सकते पुस्तक सही है गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसे मूल्यांकन के लिए हमें बताना होगा सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग उसको समझेंगे। तो प्रकाशन सामग्री, पहला जो मापदंड का बिंदु है वो हमारा प्रकाशन सामग्री। प्रकाशन सामग्री मतलब जो प्रकाशित की जा रही है वो सामग्री के बारे में। अब उसके अंतर्गत क्या देखना है हमें, पुस्तक का नाम। दूसरी चीज आती है इसके अंतर्गत लेखक या लेखकगण, क्या देखेंगे मूल्यांकन में, लेखक या लेखकगण, क्योंकि लेखक एक भी हो सकता है और एक से अधिक लेखकों ने भी पुस्तक के अंतर्गत भूमिका निभाई है लिखने के अंतर्गत। फिर है प्रकाशक, जो उसे प्रकाशित करवा रहा है उसका नाम, एड्रेस अगर लिखा हो तो वो चेक करना है। फिर है पृष्ठों की संख्या देखी जाती है, पेज कितने हैं वो। फिर है पुस्तक का मूल्य, इसमें आ रहा है ये प्रकाशन सामग्री के अंतर्गत ये सारे बिंदु आ रहे हैं। जब मूल्यांकन के मापदंड तैयार किए गए तो मेन हेडिंग क्या है, प्रकाशन सामग्री, उसके अंतर्गत किन किन चीजों को देखना है, पुस्तक के नाम को, लेखक या लेखकगण, प्रकाशक, प्रश्नों की संख्या या पुस्तक। अब है दूसरा है ब, यांत्रिक तत्व, ध्यान पूर्वक देखेंगे और नोट भी करेंगे। यांत्रिक तत्व कौन कौन से है, तो पुस्तक का आधार तथा साज सज्जा। ठीक है, आधार मतलब कि जो किताब है वो किस पर टिकी हुई है, उसकी बाइंडिंग वगैरह वो सही है या नहीं है, वो आधार और साज सज्जा देखी जाती है। फिर है जिल्द की सुदृढ़ता, ऊपर जो कवर किया होता है उसको बोलते हैं जिल्द की सुदृढ़ता, मतलब अच्छा है या नहीं है, जिल्द जो चढ़ाया गया है वो सुदृढ़ है या नहीं, अच्छा मजबूती लिए हुए है या नहीं। फिर है कागज कैसे हैं, यांत्रिक तत्वों के अंतर्गत आएगा, कागज सही है नहीं है। फिर है छपाई, प्रिंटिंग जो की जाती है, छपाई मेन होती है, छपाई सही नहीं की, अपर से कवर अच्छा है, साज सज्जा भी की है, जिल्द भी मजबूत है, लेकिन जो छपाई है वो मिसप्रिंट हो रही है या फिर कहीं पर छूट रहा है या फिर ऐसे कहें कि बहुत ही डार्क है या बहुत ही लाइट है तो वो दिक्कत आ जाती है, तो छपाई भी देखी जाती है। फिर है मार्जिन की चौड़ाई के अंतर्गत ये देखा जाता है कि किताब के अंदर जो स्पेस दिया होता है ऊपर नीचे साइड में जो स्पेस दिया होता है, कहीं कहीं पर किताबें होती है वो पूरे में लिखी होती है, पेज है उसमें पूरा कवर कर दिया जाता है, लेकिन पूरा कवर करने में ये दिक्कत आती है जब उसमें बाइंडिंग किया जाता है तो कुछ अक्षर उसमें छूट जाते हैं और बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, तो ये भी देखा जाता है, मार्जिन की चौड़ाई भी देखी जाती है। तो ये दो बिंदु पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन मापदंड के। तीसरा बिंदु है संगठन के अंतर्गत पाठों की सामान्य योजना, जो पाठ किताब में दिए गए हैं वो योजना के अकॉर्डिंग है या नहीं है,
क्योंकि जो कोर्स है वो बच्चों के शैक्षिक जो स्तर होता है, उनकी योग्यता होती है, जो आईक्यू लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सेटअप किए जाते हैं कि भाई सरल पार्ट पहले, फिर कठिन और फिर सरल, इस प्रकार के जो पार्ट होते हैं वो दिए होते हैं, जिससे कि बच्चा है वो पहले दोहरान कार्य करेगा, क्योंकि पिछली कक्षा का जो दोहराएगा तभी वो आगे का कार्य कर सकता है। तो पाठों की जो योजना है वो कैसी होनी चाहिए, सामान्य योजना तैयार है या उसमें नहीं है वो चीज देखी जाती है। फिर है पाठों का तर्क संबद्ध, पाठों का तर्क संबद्ध विभाजन, पाठों का तर्क संबद्ध विभाजन, मतलब कि जो पाठ दिए गए हैं किताब में वो तर्कपूर्ण, ऐसा नहीं कि पाठ दे दिए चलो ठीक है हमने अंदर से, क्योंकि जो किताब की जो जब बनाई जाती है, बुक जब छापी जाती है, उससे पहले कमेटी गठित होती है और उसमें सही गलत का सब विचार रखे, सबके व्यू लिए जाते हैं, उसके बाद वो छपती है। तो तर्क संबद्ध विभाजन तो उसमें होता ही है। और यदि हमने सुना होगा कि 3 साल 5 साल में किताबें चेंजेस होती है, तो क्यों होती है, क्योंकि जब उनमें तर्क वितर्क की बात आ जाती है कि ये विभाजन है वो सही नहीं है, या फिर बच्चों के जो स्तर है उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो रहा है, तो तर्क है उसके अकॉर्डिंग विभाजित है या नहीं है उसको भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं आती है तो किताब को मिड सेशन के अंतर्गत ही कुछ लेसन को लैप्स कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि वो वहां पे आवश्यकता महसूस की जाती है कि ये कठिन है या फिर इनकी आवश्यकता नहीं है, तो तर्क संबद्ध विभाजन है या नहीं वो देखना जरूरी है। फिर है पाठों की पूर्णता से मतलब ये है कि जो पाठ दिए, कहानी दिए तो आधा पाठ इस कक्षा में आधा पाठ उस कक्षा में, तो इसका कोई सेंस नहीं है। पाठ है वो बच्चों को जो दिए जा रहे हैं उसका एक अंक दिया जाए, एक खंड दिया जाए, ताकि संस्कृत में हम लोग बात करें तो खंडों में विभाजित होता है, तो वो खंड या अंक दिए जाने चाहिए, वो पूरा दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे हैं उसका जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर सके। तो पाठ है उसको पूर्णता होनी चाहिए। फिर है सारांश के रूप में किताब में छपा हुआ होना चाहिए, सारांश आवश्यक रूप में दिया जाना चाहिए, और आजकल तो इनका जो किताबें छप रही संस्कृत की उसमें सारांश आवश्यक रूप से दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है मापदंड है वो प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन जो होती है, किस प्रकार का प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण के अंदर हम 3 बिंदुओं को लेंगे तो उसके अंदर कहता था शैली की बात करें, कौन सी शैली में पुस्तक लिखी हुई है, भाई बच्चों के जो माध्यम है पढ़ने का उसी माध्यम को ध्यान में रखें। अब संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के अंदर एकदम परिशिष्ट बिल्कुल एकदम साफ सुथरी शैली में लिखा होना चाहिए, ताकि बच्चे हैं वो समझ सके। संस्कृत है बच्चों की मातृभाषा नहीं होने के कारण बच्चे हैं उसे समझ कर और सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि व्यवहार में बहुत कमी ले पाते हैं क्योंकि वो मातृभाषा नहीं है, इसीलिए शैली है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। फिर है भाषा का प्रयोग बिल्कुल स्पष्ट, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाए कि भाई बहुत सी किताबें ऐसी होती है जो किसी प्रकाशन द्वारा छपी होती है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती है, तो बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चे के लिए तो ये मातृभाषा नहीं है और बच्चा इसको नवीन रूप में सीख रहा है, और वो सीख रहा है गलत किताब वालों ने गलत छापा है तो वो गलत ही सीखेगा, इसलिए भाषा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और इस पर रिसर्च भी की जाती है कि पुस्तक कहाँ तक सही सिद्ध है। फिर है भाषा, फिर है निष्पक्षता की बात हम करें तो यहाँ पर अगर पाठ हम देख रहे हैं पाठों का सामान्य योजना और निष्पक्षता में अगर हम देखें तो जब योजना बनाई जाती है तो निष्पक्ष रूप से ध्यान रखा जाता है कि जो पाठ है वो दोहराए नहीं, या फिर किसी भी एक चीज पर मतलब कि बच्चों को जैसे कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बच्चों को केवल व्याकरण सिखाई जाती है, तो व्याकरण के साथ साथ बच्चों को भाषा का ज्ञान देना है तो कहानियां हैं, श्लोक है, वो भी होने चाहिए, इसीलिए निष्पक्षता होनी चाहिए, एक ही पक्ष पर आधारित किताब नहीं होनी चाहिए, विभिन्न पक्षों पर ध्यान रखते हुए किताब का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर है निष्पक्षता के बाद अब हम देखेंगे नया जो मापदंड है वो है उदाहरण, नेक्स्ट है उदाहरण के अंतर्गत किताब में उदाहरण मतलब पाठों के अंतर्गत उदाहरण दिए गए हैं नहीं दिए गए, किताब की समीक्षा करना एक बहुत बड़ा कार्य है और उसे सोच समझ कर किया जाता है, हम केवल किताब को देखते हुए खाली कॉपीराइट नहीं कर सकते उसे, हमें पूरा समझना होगा, तो उदाहरण मतलब कि पाठ में कहीं कहीं पर उदाहरणों के स्वरूप समझाया गया है नहीं गया है तो उन पर ध्यान रखना होगा। तो उदाहरण के अंतर्गत उदाहरणों की शुद्धता मतलब कि जो उदाहरण दिए गए वो शुद्ध है या नहीं है, भाई पाठ कोई और दे रखा है, हम
हम कहानी तो खरगोश और कछुए की पढ़ रहे हैं और हम वही शकुंतलम जो महाकाव्य उसको लेकर उदाहरण प्रस्तुत करें तो वो कहीं तुक नहीं बैठ रहा उनका। तो बच्चों को कहानियां बताई जा रही है तो कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं अध्यापक द्वारा या किताब में निहित उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो उदाहरण सटीक होने चाहिए, बिल्कुल उससे शुद्धता रखे हुए होने चाहिए। बच्चे के लिए संस्कृत नया सब्जेक्ट है, बच्चा कहानी अलग पढ़ रहा है फिर आप उदाहरण अलग दे रहे हैं तो वो तुक नहीं होता है। तो उदाहरण जो दिए जाए वो सही होने चाहिए। व्याकरण के अंतर्गत जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो व्यवहारिक उदाहरण होने चाहिए ताकि बच्चा उसे समझकर अपनी समझ भी विकसित कर सके और व्यवहार में उसे ले सके। क्योंकि बच्चे को हम कोई चीज सिखाते हैं तो वो घर पर जाकर या आसपास उस चीज को देखता है तो खुद तर्क वितर्क करने लग जाता है। इसीलिए जो ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो उदाहरण भी है वो शुद्धता लिए होने चाहिए, मतलब बच्चों को गुमराह करने वाले उदाहरणों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। फिर है गुण। अब उदाहरण भी जो अलग, मतलब जैसे कि कोई अन्य जो हो उदाहरण, ऐसे उदाहरण इसमें किताब में नहीं होने चाहिए जिससे कि बच्चा खुद भी कंफ्यूज हो जाए। हम कहते हैं अपवाद मिलते हैं, व्याकरण के अंदर अपवादों को देखा है तो अपवाद मिलते हैं, तो वो अपवाद वाले अगर सब बच्चा नई चीज सीख रहा है और फिर आप अपवाद भी उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो बच्चा उसको सीख ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के गुण युक्त उदाहरणों का उपयोग किया जा रहा है। फिर है विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उदाहरण। वही बात, विद्यार्थियों के लिए उदाहरण मतलब कि विद्यार्थी हैं वो उपयुक्त उदाहरणों का प्रयोग कर सके, है ना। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग उसके अंतर्गत है या नहीं है वो देखना। फिर है अपना चित्र पाठों से संबंधित चित्रों का समावेश होना चाहिए इसमें, यानी कि विभिन्न उपयोगी से इसमें यही बात आएगी, विभिन्न उपयोगी चित्रों का समावेश। किताब के अंतर्गत जो चित्र दिए गए वो उपयोगी है या नहीं है इस बात का विशेष ध्यान रखना है समीक्षा के अंतर्गत। फिर है प्रश्न, बीच बीच में अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं वही बात है। तो पाठ्य वस्तु जो दी जा रही है उसका पाठ्य वस्तु से संबंध, भाई पाठ जो दिया गया है प्रश्नोत्तर उस पर आधारित है या नहीं है, क्योंकि भाई कौशल पर आधारित प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें कौशल देखा जाता है तो उसमें कुछ चेंजेस हो जाता है, लेकिन वो भी पाठ पर आधारित ही होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। फिर है उनकी विस्तृतता मतलब कि जो प्रश्न है वो अपने आप में विस्तारित होने चाहिए, प्रश्न पढ़ते ही उसका उत्तर समझ में आना चाहिए, घुमा फिरा हुआ प्रश्न नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाए और वो उत्तर पाठ नया है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवहार में ला रहे हैं लेकिन प्रश्नों के कारण वो उस पाठ से भी अलग चले जाएंगे, इसलिए विस्तृतता होनी चाहिए पढ़ने के अंतर्गत, वो व्यवहारिक रूप में प्रश्न होना चाहिए। फिर है और महत्व की दृष्टि, अगर प्रश्न के महत्व की बात हम करते हैं तो प्रश्न महत्वपूर्ण होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए भी और शिक्षक के लिए भी। शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो वो किस कहां तक समझ कर बच्चों को समझाएगा, तो प्रश्न अगर मान लो अलग ही बने हुए तो बच्चों को उसे समझाने में दिक्कत आएगी, बच्चे हैं उस प्रश्न को करना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि शिक्षक भी खुद भी कंफ्यूज रहेगा कि भाई ये पाठ से नहीं आए, ये अलग से है, इसे मैं कैसे करवाऊं, कहां से उचित सामग्री ढूंढ कर लाऊं और बच्चों को समझाऊं, क्योंकि अगर कोई अलग प्रश्न दे दिया जाए तो उसे उसकी भी रीड करना होगा फिर वो उत्तर देगा, क्योंकि बिना पढ़े वो उत्तर नहीं दे सकता है शिक्षक। इसीलिए जो महत्वपूर्ण हो वही प्रश्नों का समावेश होना चाहिए। है परिशिष्ट व अनुक्रमणिका, परिशिष्ट और अनुक्रमणिका जो आगे इंडेक्स दी होती है, परिशिष्ट जहां से ये मैटर लिया गया है उससे संबंधित जो जानकारियां होती है, कौन सी पुस्तक से कौन सा पाठ लिया गया है, किस लेखक ने लिया है लिखा है, कौन से पेज नंबर पर ये छपा है, वो सारी जानकारी परिशिष्ट के अंतर्गत होती है। और अनुक्रमणिका में कौन सा पाठ कहाँ पर है, किस लेखक द्वारा है और कितने पेजों में आया है, वो सारी जानकारी अनुक्रमणिका में होती है। तो इसके अंदर विषय सूची, अनुक्रमणिका में क्या जांच होगी, मूल्यांकन के अंदर हम बात मूल्यांकन की कर रहे हैं और इन बिंदुओं के माध्यम से हम मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है, मापदंड ये सारे हैं और इन्हीं पर आधारित हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। विषय सूची दी हुई है या नहीं दी हुई है इसका मूल्यांकन किया जाएगा। फिर है व्यवहारिकता, व्यवहारिकता मतलब क्या हुआ, जैसे कि परिशिष्ट है,
परिशिष्ट के अंतर्गत क्या लिखा जा रहा है कि पुस्तक के अंतर्गत जो पाठ लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, किस लेखक द्वारा लिया गया है और कौन से पेज नंबर पर ये पुस्तक के अंतर्गत स्थित है, ये चीज हो रही है। मतलब कि जहां से लिया गया वहां पर ये किस पेज नंबर पर है, कौन से स्थान में लिखी गई है, ये सारी जानकारी होती है परिशिष्ट में। तो व्यवहारिकता होनी चाहिए, मतलब की जो पाठ लिया गया उसी की जानकारी उस किताब में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किताब तो किसी और ने छापी और लिखने वाला कोई और है, किसी भी किताब का नाम लिखकर उठाकर लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहारिकता होनी चाहिए, मतलब परिशिष्ट में जांच की जाए कि वो जो परिशिष्ट में लिखा गया है वो सत्य है या नहीं है। फिर है पूर्णता, जो लिखा गया है वो पूर्ण होना चाहिए। अनुक्रमण की क्रमणिका की बात करें तो पता, बच्चों को पता चलना चाहिए, जैसे एक से लेकर चार लिखा हुआ है, पार्ट एक, एक से चार इस लेखक द्वारा लिखा गया है, तो मतलब कि पार्ट एक कितने पेजों में आएगा, एक से चार के पेजों में आएगा। तो वो अगर पूर्णता नहीं हो, एक से तीन लिखा हुआ और एक से चार पर आ रहा है तो वो गलत चीज है, इसलिए तो पूर्णता उसके अंतर्गत होनी चाहिए, जांचना है। फिर है महत्व, अब परिशिष्ट और अनुक्रमणिका महत्व रखती है, ये इस मतलब कि कहाँ तक महत्व रखती है, किताब में देखना है कि अनुक्रमणिका बनाई गई है वो बच्चे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, शिक्षकों को उससे लाभ है या नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस अगर उसमें है ही नहीं बच्चों के लिए काम के लिए तो वो छापना ही हो, ठीक है। तो महत्व रखती है या नहीं रखती इस बात का भी इसके द्वारा ध्यान रखा जा सकता है। तो ये सारे बिंदु थे हमारे मापदंड के, जिससे कि हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कर सकते हैं। अब आप गृह कार्य प्रश्न के रूप में लिखेंगे, इन्हीं मापदंडों के आधार पर समीक्षा करनी है ना। कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक, संस्कृत पाठ्य पुस्तक की समीक्षा बताए गए मापदंड के बिंदुओं के मापदंड के बिंदुओं के आधार पर कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न दिया है मैंने आपको, पुस्तक है, पुस्तक को आपको लेना है कक्षा 6 की, 7 की मिल जाएगी, 7 की लेकिन कक्षा 6 की मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्ट दिए होंगे और समझ भी पाओगे आप लोग। तो कक्षा 6 की पुस्तक लेनी है आपको, उसका फ्रंट पेज है, उसकी आप छोटी सी फोटो करवाएं और अपनी कॉपी में चिपकाएं, और इससे समझ जो मैंने समीक्षा के बिंदु आपको बताए उसी के आधार पर ये समीक्षा की रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, और ये बिंदु जो बताया उसी के आधार पर उसको लिखना भी है, दो दो तीन तीन लाइनें जैसे मैंने बताया है उसी के आधार पर लिखकर अपने उत्तर पुस्तिका में आवश्यक रूप से लिखें और आप बताएं कि हाँ आप लोगों ने ये प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम घर से बाहर निकलें, यदि आवश्यक या जरूरी कार्य होने पर अगर आप बाहर भी निकलते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं या फेस को कवर करके जाए, सोशल डिस्टेंस जो सामाजिक दूरी सरकार द्वारा बताई गई है उसका पालन करें, और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें, धन्यवाद।